अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कावश न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है। 300 वैकेंसीज़ की बात हो रही है और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इनको अपॉइंट किया जाए, 2025 में इसको फाइनल करें। हालांकि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है सेक्रेटरी की तरफ से, एजुकेशन सेक्रेटरी की तरफ से, उसमें 2028 को उन्होंने कहा है हम इसको फाइनल करेंगे। तो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। जो न्यूज़पेपर में आया है वो आपके साथ में शेयर करता हूं, और जो कैंडिडेट ASI की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता चलूं, बार बार आपको यही कह रहा हूं कि जूम लाइव क्लासेस चला रहे हैं हम, और अगर आप जूम लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लेके तैयारी कर सकते हैं। फिर आप अगर आपको वीक में कहीं किसी भी दिन अगर आपको टाइम मिलता है, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, तो वो आप स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करा लें तो फर्दर उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कटिंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, सिंध हाई कोर्ट 12 लिखा हुआ है ना, 2025 तक 7,128 उस्ताद भर्ती करने का हुक्म दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2025 तक फाइनल करें, जून तक। लेकिन इन्होंने जो सबमिट किया है उसमें इन्होंने लिखा है कि 2028 तक टीचर्स रिटायर होंगे, 2028 तक तो 7,128 जो जो सीटें खाली होंगी फिर हम भर्ती करेंगे। लेकिन आपको पता है कि हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि 6 मंथ पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। यहाँ लिखा हुआ है उस्ताद अंजी रिटायरमेंट सबब कोई स्कूल बंद न थे घुर्जे, 6 मंथ पहले ही अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करें। हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है जो बंद स्कूल पड़े हुए हैं उसको भी फाल किया जाए, मेरिट पे अपॉइंट करके टीचर्स को वहाँ पर रखा जाए। तो ये अपडेट आई थी, काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे। तो 7,128 टीचर भर्ती होंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले करें, क्योंकि देखें इनके पास लिस्ट होती है कि फ़लाँ फ़लाँ टीचर फ़लाँ स्कूल से रिटायर होने जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि आप 6 मंथ पहले ही इसका प्रोसेस स्टार्ट करें। देखें अगर रिटायर हो जाएंगे उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा तो 6, 7, 8 मंथ, 1 साल तो ऐसे ही लग जाता है। उनको हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि आपको पता है कि फ़लाँ फ़लाँ साल में टीचर्स इतने रिटायर हो रहे हैं, जहाँ जहाँ रिटायर हो रहे हैं तो वहीं पे आप प्रोसेस को पहले से 6 मंथ पहले स्टार्ट करें और टीचर्स को वहाँ पे भर्ती करें। अच्छा, आपने देख लिया, हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर लोग रिटायर हो रहे हैं तो आप इमीडिएटली इसको फाइनल करें, 6 मंथ पहले प्रोसेस आप स्टार्ट करें। और इसमें ये गुड न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए। तो जो जो फर्दर अपडेट भी आएगी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट टीचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, स्पेशली फीमेल्स जो है। उसके अलावा बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स आती रहती हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CC की, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की, इंस्ट्रक्टर की, SST की, फेडरल पब्लिक की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कोर्स अवेलेबल है, स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।